में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले ट्रैक्टर परेड में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल जिले के किसानों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि ट्रैक्टर परेड में ज्यादा से ज्यादा किसान भाग ले सके। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान तीन कृषि संबंधित कानूनों के खिलाफ इस परेड में भाग लेंगे, जिसको लेकर किसानों को जुटाने के लिए किसान गांव-गांव पहुंच रहे हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया हुआ है। वहीं किसान नेता इस परेड में जिले से 20,000 से अधिक ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों में ग्रीस और ऑयल डलवा रहे हैं, ताकि उन्हें दिल्ली कूच करते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दिलबाग सिंह जिला ग्रामीण अध्यक्ष बाकियों ने कहा कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगी और वे 24 जनवरी को करनाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान परेड के लिए अपने ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं और उन पर बाकियों के झंडे लगाए जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि ना केवल नए बल्कि पुराने ट्रैक्टर भी इस ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि करनाल से भारी भीड़भाड़ जुटाई जा सके। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। किसान गांव में जाकर उन किसानों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जिनके ट्रैक्टर दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी को इस परेड में जाएंगे। न केवल किसान बल्कि मैकेनिक भी ट्रैक्टर की सर्विसिंग मुफ्त में कराकर इस परेड के लिए समर्थन बढ़ा रहे हैं। करनाल के गांव दरड़ के ट्रैक्टर मैकेनिक अमन सिंह ने कहा कि वह रोजाना 4 से 5 ट्रैक्टरों की सर्विसिंग कर रहे हैं, वह किसानों से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जो ट्रैक्टर पेड़ है 26 जनवरी को अपने करनाल जिले से लगभग 20,000 से ऊपर का टारगेट रखा है, जी जी, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है आपके गांव? सर, हमारे गांव में बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है जी। जो भी मान लो किसी का कोई पुराना ट्रैक्टर भी है, उस फार्मर का भी ये कोशिश है भी मैं भी अपना ट्रैक्टर रिपेयर करके और अपने काफिले के साथ मैं चलूँ। और उसके लिए हमारे गाँव के अपना मैकेनिक हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से उन्होंने से 20 से 25 सेक्टर की उन्होंने सर्विस रिपेयर वगैरह की है, भी जो भी जाना चाहता है किसान उसको रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और हम अपने गांव की तरफ से ही जो भी सारा फंड इकट्ठा करके अपने, जैसे गुरु नानक साहब ने बोला भी अपना 10वां हिस्सा निकाल के दो अपनी इनकम में से, उस हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे गांव से। और पूरे गांव के कंट्रीब्यूशन के साथ जो डीजल आएगा, जो भी हमारा खर्चा होगा, वो पूरे गांव के कंट्रीब्यूशन के साथ ही चलेगा जी। तो कई दौर की बात भी हुई लेकिन सफल नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए तो हम सिर्फ एक ही कहना चाहेंगे भी जो मोदी सरकार है उनका जो अड़ियल रवैया है वो उनको पता है, पिछले 6-7 साल से वो लोगों को गुमराह ही कर रहे हैं। बिना गुमराह के उन्होंने कुछ भी नहीं दिया अपने कंट्री की पॉपुलेशन को। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, नोटबंदी में उन्होंने लोगों को ये बताया मेरे को 50 दिन दे दो, 60 दिन दे दो, मैं इतने में आपको 15-15 लाख हर आदमी के अकाउंट में डाल दूंगा। वो अपनी 100% वो फेलियर रहा गवर्नमेंट का, जो ये बोलते थे भी इतना काला धन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो काला धन एक रुपया भी आज तक नहीं मालूम चला भी वो कहाँ है काला धन। तो सर, क्या किस तरह की तैयारियां चल रही है गांव में और कितना टारगेट रखा है और पुराने ट्रैक्टर को भी रिपेयर किया जा रहा है? सर, हमारा टारगेट पहले शुरू में तो 50 ट्रैक्टर का था, अब जैसे जैसे लोगों अपना अवेयर हो रहे हैं वैसे वैसे वो अपने आप बोल रहे हैं भी हम भी अपना ट्रैक्टर लेके चलेंगे, हम भी अपना ट्रैक्टर लेके चलेंगे। उस हिसाब से सर हमारा 60+ ट्रैक्टर होने का अनुमान है। सर, जिले से कितने हैं? सर, जिले से 20,000+ ट्रैक्टर जाएंगे, हो सकता है 21 हो जाए, हो सकता है 22,000 हो जाए। तो कब कूच करेंगे और किस तरह के इंतजाम है रास्ते में? सर, हमारा जो इंतजाम है, हम ट्राली वगैरह भी वो तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर तरपाल वगैरह लगा रहे हैं सर, और उसके लिए अपना जो बिल्कुल तैयारी कर रखी है हमने, गद्दे वगैरह जो ट्रॉली के अंदर जो पूरी सुविधा के साथ जाएंगे, हमें चाहे वहाँ हफ्ता लग जाए चाहे 10 दिन लग जाए, हम अपना राशन साथ में लेके जाएंगे और अपना बिस्तर वगैरह साथ लेके चलेंगे। हमें जल्दी नहीं है वापस आने की, हमें तो सिर्फ यही जल्दी है कब अपना गवर्नमेंट अपने ये काले कानून वापस ले और हम अपने घर वापस आएँ। तो गाँव दर गाँव जाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल सर, मैं भारतीय किसान यूनियन चुनी जी की तरफ से ग्रामीण ब्लॉक का प्रधान हूँ, तो हम हर रोज तकरीबन 4-5 गांव विजिट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं,
भी 26 जनवरी को हमारा ट्रैक्टर मार्च है, उसके लिए आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर लेके चलें, जो कि गवर्नमेंट को पता चले भी फार्मर वाकई में ही अवेयर है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। सर करनाल से तो लगभग अब तक 20 से 25 हज़ार ट्रैक्टर का कार्यक्रम लिखा जा चुका है, जो कमेटी बनाई गई है गांव-गांव में जाके एक थाने एकता पर ये 12-12 बंदों की कमेटी बनाई गई है, जिनको भार सौंपा गया है कि किस तरह से ट्रैक्टर अरेंज करके उसको ले जाना है। हमारा बार बार यही लोगों से कहना है कि हम वहाँ पे लड़ाई या झगड़ा करने नहीं जा रहे, हम शांति प्रिय ढंग से अपने ट्रैक्टर लेके अपने देश का झंडा लहराने जा रहे हैं। हम भी तो उसी देश के वासी हैं, क्या हम परेड में अपना गणतंत्र दिवस है क्या हम अपने देश का तिरंगा नहीं लहरा सकते? हम भी तिरंगा लहराएंगे। फौज में किस तरह की तैयारी है आपके? हमारे गाँव में लगभग 70 ट्रैक्टर हो चुके हैं, पहले 50 ट्रैक्टर लिखे थे, पर जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब यही तो देखना है, अभी देखो अब क्या होता है। हमारी तरफ से पहले ऐसा कोई भी हिंसा कदम नहीं होगा अभी, जिसके कारण हम मेरी आंदोलनकारी या हमारे जो भी जथेदार बैठे हैं उनको किसी भी नीच बात का सामना करना पड़े, हमारा तो आंदोलन बहुत ही शांति प्रिय आंदोलन है। तो पुराने ट्रैक्टर भी है? हाँ जी, हाँ जी, पुराने ट्रैक्टर को दोबारा रिपेयर किया गया है और थोड़ी सी इनमें लगभग स्पीड बढ़ाई गई है, और जो भी इनमें ये एक्स्ट्रा सामान लगा है, ये संगल वगैरह लगे, अभी अचानक कोई ट्रैक्टर में खराबी आ जाती है तो हम उसको बांध के ला सकते हैं, लाइटें हैं, झंडे लगाए गए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐसा नहीं है अभी जिससे लोगों को ये डर लगे भी कोई लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है या हम किसी दिल्ली को या पास के रहने वाले किसी लोग को वहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए हमारा बिल्कुल भी कार्यक्रम नहीं है। हम इसी देश के वासी, हम तो अपना सिर्फ एक तिरंगा लहराने जा रहे हैं। कई दौर की बातचीत भी हो लेकिन सफल ना हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब सरकार के इतने नुमाइंदे बैठे हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, सरकार अपनी बात पे अड़ी है, किसान अपनी बात पे जथेबंदियां अड़े हैं, ये हिसाब से तो ये जैसे 1.5 साल का भी टाइम मांग रहे हैं, चाहिए 5 साल का टाइम ले लें, पर मीटिंग का तो बेसिट्टा ही रहेंगी मेरे हिसाब से। अब ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया अभी लागू नहीं होगा, ये किस पिछली मीटिंग को 19 को शायद मेरे ख्याल 19 को बोला गया कि हम 1.5 साल के लिए ये कानून रोक देते हैं, आप कमेटी बना लो, एक हम बना लेते हैं, ये तो बेसिट्टा सी बातें हैं, कुछ सामने आ नहीं रहा। पूरी तैयारी है अपने करनाल? हाँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, 20 से 25 हज़ार के लगभग ट्रैक्टर हो गए हैं। तारीख को रवाना होगा ये? हमें जी 24 तारीख मिली है, हम 24 तारीख को सुबह रवाना हो जाएंगे जी। सर मेरा नाम अमृतपाल, मैं गाँव दड़का निवासी। करनाल में किस तरह की तैयारी है और जो 20 हज़ार से ऊपर टारगेट? हाँ, हमारे मैं दरड़ गांव से करनाल में पढ़ता हूँ, तो हमारी 24 तारीख की पूरी तैयारी है दिल्ली के लिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं पुराना ट्रैक्टर है, इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और जो मतलब है तो ये पुराना ट्रैक्टर, पर ये इस ट्रैक्टर के बिल्कुल तैयार सोनाल अपना अर्जुन ट्रैक्टर के बराबर बनाया जा रहा है, और हम 3-4 दिन से लगातार हमारे गाँव से ही है मिस्त्री, वो काम पे अपना कर रहे हैं। तो कितना टारगेट है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम? हमारे पहले गांव से तो 50 के लगभग था, अब 60 प्लस ट्रैक्टर हमारे गांव से निकलेंगे। और हाँ जी, नहीं सर, हमारे गांव दरड़ से ही, और बाकी जिले भर से तो देखो उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, और हम शांतिपूर्वक ढंग से जाएंगे, कोई हमारा वो नहीं है हल्लड़बाजी, हम आराम से शांतिपूर्वक अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, और ये जो अपना 3 काले कानून है इनके खिलाफ हमारी जो है चल रही है तो उसके लिए हम अपना पूर्ण रूप से अपना करेंगे बहिष्कार इनका। होगा भारतीय किसान यूनियन? हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हम सर तिरंगा भी और किसान यूनियन अपना झंडा लगाएंगे। तो रास्ते में कोई दिक्कत ना हुई सर, पुराने ट्रैक्टर वगैरह? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पुराने ट्रैक्टर हैं, चाहे ये नए ट्रैक्टर के बराबर है, बाकी हमारे जैसे भी है हमने पूरा इंतजाम है हमारी तरफ से, मैकेनिक हमारे गाँव से ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? भूपिंदर सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।